पिछले दो दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है और इसलिए मिशन 2017 के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई है। आज से कांग्रेस यूपी में दो दिवसीय यात्रा शुरू कर रही है और आज यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर अलग अलग जगहों पर 27 साल यूपी बेहाल यात्रा निकालेंगे। शीला दीक्षित और कांग्रेस नेता संजय सिंह लखनऊ से बस से रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। रामपुर खास और लालगंज में शीला दीक्षित जनसभा को संबोधित करेंगी और उसके बाद कई और सभाएं करते हुए वो इलाहाबाद पहुंचेंगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर यूपी देवरिया में 27 साल यूपी बेहाल यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के चुनावी रथ से राज बब्बर गोरखपुर से देवरिया पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। 31 अगस्त को राज बब्बर मऊ में रैली करेंगे। और इसका ऊपर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारी संवाददाता अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिता, 27 सालों से सत्ता से बाहर रही है यूपी में कांग्रेस, ऐसे में लगातार रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, जनसभाएं की जा रही हैं और अब ये दो दिवसीय यात्रा भी शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए 27 साल से कांग्रेस यूपी से बाहर है और यही वजह 27 साल यूपी बेहाल के नाम से ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। इसका दूसरा चरण आज शुरू हो रहा है। लखनऊ में खुद शीला दीक्षित मौजूद होंगी और बीच बीच में गुलाम नबी आजाद की प्रभारी हैं, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ राज बब्बर होंगे जो दूसरी यात्रा की अगुवाई करेंगे। कोशिश कांग्रेस की यही है कि अपनी नीतियों को जनता के बीच लेकर जाया जाए। कांग्रेस इसमें कितना सफल हो पाती है ये तो देखना होगा, लेकिन इस तरह की कोशिश पिछले चुनाव में नहीं की गई थी, तो एक तरह का प्रयोग है कि खुद कांग्रेस के बड़े नेता यात्राएं निकाल बिल्कुल नई तरीके का एक्सपेरिमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिता इस जानकारी के लिए।